आप सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सुशील कुमार इन स्पेन में आपका स्वागत है। और इसी के साथ ही जो है आपको दिवाली की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ आप जो है दिवाली जो है अपने परिवार के साथ जो है पूरे आनंद से मनाएंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज दिवाली पर जो है पटाखे जो है कम से कम जलाएं हो सके तो, ताकि जो है दिवाली पॉल्यूशन फ्री हो सके। चलिए तो आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पीछे ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे जो है ये आपको मैड्रिड ले जाता है, और जिस सिटी वायदोलिद में मैं रहता हूँ वहाँ से जो है मैड्रिड की जो दूरी है वो करीब 180 किलोमीटर है। और मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है, तो आज की ये जो वीडियो है ये शोर शराबे से दूर रहेगी, एक शांत इलाके में जाएंगे। और अभी तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत गाड़ियों का जो है शोर शराबा है, हाईवे बिल्कुल, ये जो है कि फ्लाईओवर बनाया हुआ है तो उसके ऊपर जो है पैदल का रास्ता भी है, तो उस पर चल रहा हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है, पास में ही एक जो है ये नहर है, तो नहर के साथ साथ में जो है क्या कहते हैं लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो बहुत टाइम पहले गया था तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो जो है उधर जो है प्राकृतिक वातावरण में बनाया जाए, नेचुरल ब्यूटी को देखकर बनाया जाए, देखाए आपको भी, मैं भी आनंद लूँ और आप कैमरे की सहायता से जो है आप भी इसका आनंद उठाएं। चलिए फिर जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो है ये जो ट्रैक है बहुत लंबा ट्रैक है, ये आपको एक दूसरे गांव तक ले जाता है। तो करीब जो है वो करीब ये जो है मेरे ख्याल में 15-16 किलोमीटर का ट्रैक है। तो लेकिन मैं जो है आज जो ट्रैक है मेरे ख्याल में वो करीब मान के चलिए वो 8 किलोमीटर का ट्रैक मान लीजिए, हम उसको जो है करीब करीब जो है हाफ उसको कंप्लीट करेंगे, और तो फिर उसका जो आनंद लेते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर जो है ये मैं इसी के ऊपर से आया था, और जो है इसके नीचे से जो कनाल जा, ये जो नहर है जो ये जा रही है, और इस नहर के दोनों साइड पर ये जो है ऊंचे ऊंचे जो है पेड़ लगे हुए हैं ये। और अब जैसा कि ये इनका कलर भी बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि अब जो है मौसम थोड़ा ऑटम का, ये जो है ऑटम का है, फॉल का जो है मौसम है, तो जो है पत्ते भी जो है इनके पीले पीले हो रखे हैं, सुंदर कलर हो रखा है हरे, कुछ पत्ते हरे हैं और कुछ पत्ते जो है पीले हैं। तो ये जो है मेरे साथ साथ में जो एक कनाल जो नहर है ये चल रही है। आजकल इसमें जो पिछले थोड़े दिनों से बारिश हो रही थी तो जो है इसका जो पानी का जो लेवल है जो बढ़ रखा है, वरना इतना पानी नॉर्मली इसमें होता नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो पसंद आएगी, थोड़ा जो है शोर शराबे से दूर, अभी थोड़ा सा क्योंकि हाईवे के पास में है तो थोड़ा हो सकता है आपको जो है ये कारों की जो है आवाज़ आ रही होगी, लेकिन अभी थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपको जो है बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। तो ये है, और मैं बहुत साल पहले जो है आया था, कभी वीकेंड में आ जाता था, 5-6 बार आया हुआ हूँ इस ट्रैक पर जो है। और शांत एरिया है, मतलब इसमें कुछ जगह जो है लोगों के फार्म भी हैं, फार्म हाउस हैं, उनमें उन्होंने अपने जो है घोड़े वगैरह रख रखे हैं, अगर वो देखेंगे तो आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये जो है चिलकोजे के पेड़ हैं, तो इनको पाइन ट्री भी बोला जाता है, और इन पर जो है चिलकोजे का जो है वो फ्रूट लगता है। और यहाँ पर ये जो पेड़ हैं बहुत सारे हैं, और देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है, एकदम हरे कलर भी दिख रहे हैं आपको, ऑरेंज कलर भी दिख रहे हैं, येलो कलर भी दिख रहे हैं जो है, और ये इधर ये बिना पत्तों के पेड़ भी दिख रहे हैं, तो ये जो है मिला जुला रूप है, ये प्रकृति का जो है अपना क्या बोले इसको, प्रकृति की अपनी सुंदरता है ये। और जो है यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा लोग जो है नेचर को लेकर थोड़ा सा अवेयर हैं, तो जो है जागरूकता है, लेकिन ये जो है एक मिनट, ये थोड़ा सा रात को बारिश हुई थी तो ये जो है गीला हो रखा है इधर, ये पानी भर गया है, तो इधर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रा सा पैर फिसला तो जो है
चोट सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जो है वो वाली बात है। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो है यहाँ पर लोग जो है अवेयर हैं चीज़ों को लेकर, नेचर को लेकर, तो जो है कोशिश होती है कि जो है उसमें दखल ना करें इतना जो है, और चीज़ों को साफ रखें। तो साफ सफाई तो अपने हाथों में ही है, तो जो है तभी जो है प्राकृतिक वातावरण और सुंदर लगता है, क्योंकि जो है हम ही लोग हैं जो किसी चीज़ को सुंदर बना देते हैं और किसी चीज़ को बिगाड़ देते हैं। तो जो है हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और जो है चीज़ों को जो है सुरक्षित रखना चाहिए उनके प्राकृतिक वातावरण में। ये आप देख रहे हैं, ये जो है चिलकोजे का जो है क्या बोले इसको, फ्रूट बोले, और इसके अंदर चिलकोजे लगते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये एक गिंडार टाइप की है, कीड़ा टाइप का। तो यहाँ पर क्या है, ये हर साल जो है इनका क्या बोले एक तरीके से ये बहुत सारी हो जाती हैं ये, और ये जो है कहते हैं जहरीली होती हैं। तो यहाँ पर जो लोग कुत्तों वगैरह को लेकर घूमने आते हैं ना, तो उस टाइम पर कुत्ते जो है इनको खावा लेते हैं, तो उसमें बीमार पड़ जाते हैं लोग कुत्ते जो हैं, और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जब कभी ये यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है ना, तो लोकल गवर्नमेंट यहाँ की अलर्ट कर देती है कि भाई कुत्तों को जो है सावधानी पूर्वक ले जाएं। तो ये इस टाइप की ये गिंडार होती है ये। तो ये एक टाइम ऐसा होता है ये लाइन बनाकर चलती हैं, पूरा लाइन बनाकर चलती हैं, तो उसमें जो है क्या कहते हैं बहुत सारी दिखती हैं ये। अभी तो ये छोटी सी है, थोड़ी और बड़ी होगी ये। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं। और जो है इधर ये चलते जा रहे हैं जो है नहर के बराबर में जो है साथ साथ, तो जो है मौसम का आनंद लेते हुए। आज शनिवार है, तो जो है मैंने कहा चलो बहुत टाइम से नहीं आया था, तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो जो है इस नहर के बराबर में चल के जो है इसकी बनाई जाए, तो जो है और आपको दिखाई जाए। ये जो है यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, ये बहुत पुरानी टाइप की बस है, तो ये जो बिल्कुल कबाड़ा हो रखी है, किसी ने जो है अपने फार्म हाउस पर, ये किसी का फार्म हाउस है, तो उस पर जो है ये किसी ने संभाल कर रख रखी है। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर लोगों के जो है फार्म हाउस है, लोगों ने ज़मीनें ले रखी हैं, तो उसमें जो है लोग अपना जो है खेती मतलब जो खेती भी कर लेते हैं और अपना जानवर वगैरह भी रखते हैं। तो जो है इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे हैं, और यहाँ पर चालेत भी हैं, बड़े बड़े मकान हैं, तो लोग जो है कुछ लोग तो जो है उन चालेत में हमेशा ही रहते हैं, और कुछ लोग जो है वीकेंड में आ जाते हैं, जब अपने शोर शराबा से परेशान हो जाते हैं, तो वीकेंड में अपना शांति के लिए जो है ऐसी जगह पर आ जाते हैं। ये जो है एक चीड़ का पेड़ है, ये इसकी बहुत बड़ी जो ये डाल है, ये जो है ये पाइन ट्री जो है उसकी डाल, ये जो है पूरी गिरी हुई है ये, क्योंकि यहाँ पर तीन चार दिन से पीछे, चार दिन पूरे हफ्ते से लगा लीजिए, ये जो है बहुत तेज हवा चल रही है, तो उसमें ये जो है सूखी हुई है, ये जो है गिर चुकी है डाल। ये किसी का फार्म हाउस है, तो उसमें जो है ये उन्होंने मुर्गियाँ और मुर्गे जो हैं ये उनके लिए बना रखा है ये, और ये तीन मुर्गियाँ इधर हैं और एक उधर कॉर्नर में है, और देखता हूँ आगे अगर कुछ है दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये आगे और भी मुर्गे हैं बहुत सारे, तो अभी आपको दिखाता हूँ। ये इधर आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, ये जो है ये मुर्गियों का फार्म हाउस है, और इधर उनके लिए शेल्टर बना रखा है,
ये पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा कैमरे से, मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये जो है साफ नहीं आएगी शायद फोटो। ये इधर ये शेल्टर बना रखा है, इसमें कुछ और मुर्गियाँ भी दिख रही हैं। यहाँ से आए हैं और अब जो है इसको नीचे से क्रॉस करेंगे, संभल के चलना पड़ेगा। पानी भी, मिट्टी भी गीली हो रखी है और जो है संभल के चलना पड़ेगा थोड़ा। ये गाड़ियां जो ऊपर से गुजर रही हैं तो उनकी आवाज आ रही है, तो जो है बस अब ये करीब करीब क्रॉस हो ही गए हैं। तो जो है तो ये जो है इधर क्रॉस हो गए हैं, तो ये जो है इधर ये दूसरी तरफ आ गए हैं अब जो है। और इधर ये जो है हाईवे है, ये जो है गाड़ियां जा रही हैं उधर। चलिए अब जो है इधर की तरफ चलते हैं। ये लाल रंग का पता नहीं पेड़ पे क्या लगा हुआ है, पास चल के देखते हैं। बड़े सुंदर लग रहा है पेड़, इस पे पता नहीं ये फ्रूट है क्या है, ये पता नहीं कौन सा पेड़ है। ये पता नहीं कौन सा पेड़ है क्योंकि ये अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। कोई फ्रूट है ये, तो ये मेरे ख्याल में ब्लैक बेरीज का पेड़ है। ये अभी लाल है, ये थोड़े दिनों में काली हो जाएंगी, ये डार्क पर्पल कलर की, तो उनको ब्लैक बेरीज बोलते हैं, उसका पेड़ है ये, अब समझ में आया। तो जो है ये इस पल पूरा भरा हुआ है पेड़ ब्लैक बेरीज से, जो है ये ऐसे ही जंगल में ऐसे ही उगा हुआ है, मतलब। तो जो है आधा रास्ता तो कंप्लीट हो गया है, अभी जो है आधा रास्ता और रह गया है, तो ऐसे ही जो है देखते देखते जो है चलते हैं, और वो भी जो है अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते चलते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो है मेरे ख्याल से 40 मिनट और लग जाएंगे चलने में, जो है क्योंकि धीरे धीरे रुक रुक कर चल रहे हैं देखते हुए, तो इसलिए जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है। वरना जो है ये जो है करीब करीब मेरे ख्याल से 1.25 घंटे का रास्ता है, ये जो है मेरे ख्याल में कितना 8 किलोमीटर होगा जो है करीब करीब, तो 1.25 घंटा करीब लग जाता है चलने में। ये है किसी का फार्म हाउस है, तो उसमें जो है घोड़े नज़र आ रहे हैं, दो घोड़े सफ़ेद रंग के घोड़े हैं, और थोड़े से दूर हैं तो जूम से दिख रहा है ये थोड़ा सा, तो जो है और इधर नीचे जाने का रास्ता भी नहीं है, तो ये जो घोड़ों का अस्तबल है, और हो सकता है इनके पास और भी घोड़े हों, लेकिन अभी तो ये दो ही नज़र आ रहे हैं घोड़े। और जो है ये पूरा इधर जो है ये खेती का इलाका है, यहाँ पर लोग खेती करते हैं। ये जो है पीछे सारा पेड़ों के पीछे जो है ये खेती का इलाका है, सारे खेत हैं ये। ये घोड़े चलने लगे, एक दिखाता हूँ एक मिनट, ये निकल ले, आप सीखेंगे ये, आप देखेंगे ये। आजा भाई तू भी आजा, दिखा दो दे अपनी शक्ल। ये दूसरा रुक गया है, दूसरा नहीं आ रहा है। जो है मैं ये नहर के जो है साइड में आकर बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए जो है, और मौसम भी अच्छा हो रखा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर शांति में जो है थोड़ा सा बैठूँ और टाइम पास करूँ। तो जो है करीब 5-10 मिनट बैठूँगा यहाँ पर और फिर जो है यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ये है ये नहर, जैसा मैंने आपको बताया इस नहर का नाम जो है कनाल दे दुएरो है, और ये पास में एक नदी है करीब 10 किलोमीटर तो नहीं होगी, करीब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, तो उस नदी का नाम दुएरो नदी है। तो उसी नदी से जो है ये कनाल निकली हुई, ये नहर निकली हुई है, और ये आगे तक जाती है,
और ये जो दुएरो नदी है, यहाँ की एक मेन नदी भी है, और ये नदी जो है आगे जाकर जब ये पुर्तगाल में एंटर करती है, तो पुर्तगाल में एक सिटी है पोर्टो करके, जिसको इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है ये अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। तो हमारी सिटी वायदोलिद में जो है दो मेन नदी हैं, एक पिसुएरगा है और दुएरो। तो आगे जाकर पिसुएरगा भी जो है वो दुएरो में ही मिल जाती है, तो वो एक ही नदी हो जाती है दुएरो। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये है। और चलिए अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगा, और फिर जो आगे अगर कुछ होगा दिखाने को तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो जो है यही समाप्त करते हैं। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है, ये गांव है, इधर इधर जाना है मुझको, फिर जो है वहाँ से घर चला जाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह वही आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये कहानी अधूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।